हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दी ब्यूटीफुल चैनल पढ़ाई का कवच. माय सेल्फ तौसिफ सर. टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर पार्ट टू ऑफ यूनिट टू एक्सरसाइज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. हमने पिछले लेक्चर के अंदर 9 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटायर एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन 10. सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज. क्वेश्चन 10. इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए. ओके, सो इन ए टेस्ट ट्यूब HCl इज एडेड व्हाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी. मीन्स हियर CH3COOH इज एडेड. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ट्यूब में जो रिएक्शन होगा जो बहुत ही तेज तरीके से होगा. vigorously का मतलब होता है कि इंटेंस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. ओके, सो एज वी नो स्टूडेंट्स, मोर द एसिड विल स्ट्रॉन्ग मोर द विगरियस रिएक्शन इज. यानी कि जितना एसिडिक पावर एसिड का ज़्यादा उतना उसका रिएक्शन ज़्यादा. इसलिए जो एसिड की ताकत सबसे ज़्यादा होगी वो एसिड जो है ज़्यादा फिजिंग साउंड से केमिकल रिएक्शन करेगा. सो वी नो दैट CH3COOH इज़ अ वेरी वीक एसिड और इट इज़ अ नेचुरल एसिड समटाइम्स प्रेजेंट इन अ वेजिटेबल्स एंड फूड्स और इन अ विनेगर. दैट इज़ वाई it is not producing the fizzing sound. So the remaining acid which is HCl, okay, hydrochloric acid, is added. This is because HCl is stronger acid than the CH3COOH and therefore it produces the hydrogen gas at a faster speed due to which fizzing occurs. Okay, so this is the solution of question number 10. Question number 11. Fresh milk has a pH of 6. ताज़े दूध की पीएच जो होती है वो 6 होती है. हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर. मीन्स द क्वेश्चन आस्क दैट हाउ कैन वी थिंक दैट इन विच वे द पीएच विल चेंज. जब फ्रेश मिल्क की पीएच 6 होती है और जब वो दही के अंदर कन्वर्ट होता है तब उसके पीएच के अंदर क्या फर्क आता है, इसके बारे में हमें बताने को कहा है. सो एज वी नो स्टूडेंट्स, द कर्ड इज अ सोर इन टेस्ट. मीन्स दही जो है वो स्वाद में खट्टा होता है एंड इफ इट इज चेंजिंग इनटू द कर्ड, मीन्स द मिल्क इज चेंजिंग इनटू द कर्ड, द पीएच वैल्यू ऑफ द मिल्क इज डिक्रीजिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल द मोर द सब्सटेंस इज एसिडिक लेसर द पी एच वैल्यू इज. तो जब भी मिल्क में से कर्ड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ठीक है, तो कर्ड की पी एच वैल्यू जो है वो लेस रहेगी यानी कि कम रहेगी. सो वी कैन थिंक दैट द पी एच वैल्यू ऑफ द कर्ड व्हेन इट इज सॉरी पी एच वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज व्हेन द मिल्क इज चेंजिंग इन टू द कर्ड. ओके, the acid present inside the curd will decrease the pH value. Then after question number 12, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. A question, why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? And question number B, why does the milk take a long time to set a curd? Okay, pehle question ka answer karte hain कि जो दूध वाला होता है वो अपने दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड करता है, उसका कारण क्या है, क्यों वो अपने दूध को 6 पीएच से थोड़ा अल्कलाइन बनाता है यानी कि उसकी पीएच 7-7.5 जितनी कर देता है. तो एज वी नो स्टूडेंट्स, इन अ नॉर्मल कंडीशन इफ वी लेफ्ट द मिल्क ओपन और विदाउट हीटिंग देन इफ द बेकिंग सोडा इज एडेड इन टू इट then it is not easily converted into the curd. वरना क्या हो जाता है कि microbes के attack के कारण दूध जो है वो automatically दही में convert हो जाता है.
ओके. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन द मिल्क मैन इज एडिंग सम बेकिंग सोडा टू द मिल्क ओके एंड इट मेक्स द मिल्क स्लाइटली अल्कलाइन. So it takes some time to set as a curd. Why does this milk take a long time to set as curd? Simple, as we adding the baking soda, the pH value is going to increase. And further, if we want to decrease the pH value from the increased value, then it takes some more time. Okay? So यहाँ पे ही यही लिखा होगा. Since this milk is slightly basic than usual milk, acid produced to set the curd are neutralized by the base. Therefore, it takes a longer time for the curd to set. यानी कि बेस है और उसके अंदर एसिड जनरेट होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. फिर उसमें से धीरे 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 कर्ड बनने के लिए थोड़ा बहुत वक्त लगेगा बिकॉज द मिल्क इज नाउ टर्न इन टू द अल्कलाइन मिक्सचर. ओके चलिए. सो दिस इज द आंसर. Next question is, plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container. Explain why. यानी कि जो POP material होता है CSO4 half H2O उसे हमें moisture-proof यानी कि जहाँ पे moisture वाली हवा या तो atmosphere ना हो वहाँ पे उसे store करना चाहिए ऐसा container में. क्यों ऐसा करना चाहिए समझाइए. क्योंकि हमें मालूम है students कि when the CaSO4 half H2O ये बेसिकली POP है. ठीक है. और POP के साथ अब ज्यादा अगर वाटर मिले तो POP जब वाटर के साथ मिलता है तो वो हार्ड सॉलिड मास जिप्सम CaSO4 2H2O बना देता है. तो इसलिए जब भी CaSO4 half H2O यानी कि POP को मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो जो POP है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हार्ड सॉलिड मास जिप्सम बन जाएगा. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और इन ऑर्डर टू नॉट मेक द POP and converted into the gypsum, we need to store it in a moisture proof container. Okay, so this is the basic reason which is already mentioned here. POP should be stored in a moisture proof container because plaster of Paris, a powdery mass, absorb water to form a hard solid known as gypsum. Okay, that's why. Question number 14. What is a neutralization reaction? Give two examples. What is the meaning of neutralization reaction? As we know students, whenever the acid react with the base, it will form the salt and water. Okay? Both will nullify each other's effect. And that kind of reaction is known as the neutralization reaction. If we need to give some example, the first example is here, NaOH sodium hydroxide plus acid HCl, in which NaOH is a sodium hydroxide, HCl is a hydrochloric acid, and if this base and acid will react with each other, then it will form common salt NaCl. Parallelly, it also form the water. Okay. So, the reaction between acid and base with each other to give a salt and water is termed as neutralization reaction. And in this reaction, energy is evolved in the form of heat. Yani some amount of heat is also released during the reaction. So, generally during the indigestion ke andar hota kya hai ki hamara khuraak jo hai wo pet ke andar pachta nahi hai. इसलिए जो स्टमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन की मात्रा है वो बढ़ जाती है. दैट इज़ व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी नीड टू एट सम बेसिक मटेरियल लाइक बेकिंग सोडा.
तो उसकी वजह से जो है स्टमक, द एसिड प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक विल रिएक्ट विद द बेस एंड फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, सो योर एसिडिटी प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड. बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. सो बेसिकली द बेकिंग सोडा इज कंसिडर्ड एज एंटा एसिड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. गिव अ टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. दो इस्तेमाल लिखने हैं, बहुत ही ईजी है. वॉशिंग सोडा जो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर या तो परमानेंट हार्डनेस नींबू करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है. उसके बाद है बेकिंग सोडा. बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग पाउडर के जिसका इस्तेमाल केक्स और ब्रेड को बनाने में किया जाता है. ओके, एंड ऑल्सो यूज इज एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. चलिए, ओके स्टूडेंट्स, सो हियर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर ओवर. नाउ लेट अस डिस्कस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, व्हिच इज आई थिंक अ प्रोबेबिलिटी टू आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल. यानी कि कर्ड, दही और खट्टे चीज़ों को क्यों ब्रास और कॉपर के वेसल में नहीं रखा जाता. बिकॉज एज वी नो स्टूडेंट्स, द कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेज कंटेन एसिड. एज वी नो दैट द सोर सब्सटेंसेज आर कंसिडर्ड एज एसिड. सो देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, द मेटल reacts with acid to liberate hydrogen gas and harmful products, thereby it spoils the food. So whenever the substance are brass and copper, okay, react with the acidic substance, it will form a harmful salts and hydrogen gas, which is not good for our health. Okay, question number 2, student, which gas is usually liberated when acid reacts with a metal? Illustrate with an example, how will you test for the presence of this gas? यानी कि यहाँ पे आपको ऐसा कहा गया है कि जब भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसे उदाहरण के द्वारा समझाई या तो एक्टिविटी के द्वारा समझाई. तो ये एक्टिविटी है, इसको थोड़ा सिंपल स्केच बना के आप दिखा सकते हो. And we can identify or we can find the presence of gas with the help of a burning candle. Okay, we need to kept a burning candle near the hydrogen bubbles, and the hydrogen bubbles are blast with the popping sound. Okay, so in this way we can find the presence of hydrogen gas. So here it is, students, this is a couple of questions that I think I want to discuss with you, because it might be asked in your board examination in terms of activity based question. Okay, to chaliye aaj ka lecture yahan tak rakhte hain. Thank you.